जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार मंगलवार को कांग्रेस में शामिल हो गए। कन्हैया ने राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस का हाथ थामा है। इस दौरान कन्हैया कुमार ने कांग्रेस पार्टी में शामिल होने की वजह भी बताई। पार्टी में शामिल होने के बाद कन्हैया ने कहा, शहीद आजम भगत सिंह को हम नमन करते हैं। मुझे लगता है कि बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं है। सूचना क्रांति के इस युग में सभी को पहले से ही बहुत कुछ मालूम होता है। उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस में शामिल हो रहा हूं क्योंकि यह सिर्फ एक पार्टी नहीं, यह एक विचार है। यह देश की सबसे पुरानी और सबसे लोकतांत्रिक पार्टी है और मैं लोकतांत्रिक पर ज्यादा जोर दे रहा हूं। सिर्फ मैं नहीं, कई लोग सोचते हैं कि देश कांग्रेस के बिना नहीं रह सकता। कन्हैया ने आगे कहा कि मैं कांग्रेस में इसलिए शामिल हो रहा हूं क्योंकि मुझे ये महसूस होता है कि इस देश में कुछ लोग केवल लोग नहीं हैं, बल्कि वो एक सोच है। वो न केवल सत्ता पर काबिज हुए हैं बल्कि इस देश का वर्तमान और भविष्य खराब करने में लगे हैं। मैं कांग्रेस में इसलिए शामिल होना चाहता हूं क्योंकि मुझे लगता है कि कांग्रेस अगर नहीं बची तो देश नहीं बचेगा। आज यदि बड़े जहाज को नहीं बचाया गया तो छोटी छोटी कश्तियां भी नहीं बचेंगी। कन्हैया कुमार ने कहा कि जो लोग कह रहे हैं विपक्ष कमजोर हो गया है, ये सिर्फ विपक्ष की चिंता की बात नहीं है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। कोई शास्त्र कोई किताब उठाकर देख लीजिए, जब विपक्ष कमजोर हो जाता है तो सत्ता तानाशाही रुख इख्तियार कर लेती है। मैं ये बात सीधे तौर पर कर रहा हूं कि लोकसभा में 200 ऐसी सीटें हैं जहां बीजेपी के सामने कांग्रेस के अलावा कोई विकल्प नहीं है। मूल रूप से बिहार से ताल्लुक रखने वाले कन्हैया जेएनयू में कथित तौर पर देश विरोधी नारेबाजी के मामले में गिरफ्तारी के बाद सुर्खियों में आए थे। कन्हैया पिछले लोकसभा चुनाव में बिहार की बेगूसराय लोकसभा सीट से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के खिलाफ भाकपा के प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतरे थे, हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। कई बार ये सवाल खड़े हुए हैं कि आखिर अगले लोकसभा चुनाव में पीएम नरेंद्र मोदी के सामने कौन होगा विपक्ष का चेहरा। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की जीत के बाद वो विपक्ष को एकजुट करने के लिए आगे आए, दिल्ली का दौरा किया और इस कार्य में शरद पवार की ओर से भी कोशिश हुई। ममता बनर्जी की सोनिया गांधी के अलावा कई विपक्षी दलों नेताओं से दिल्ली में मुलाकात हुई। हालांकि इन सबके बीच जो बड़ा सवाल रहेगा वो ये रहेगा कि विपक्ष की अगुवाई तो बाद में, पहले कांग्रेस पार्टी की अगुवाई कौन करेगा। आज के वीडियो में महज इतना ही। आप देख रहे हैं ग्लोबल 24/7। मैं तुषार अब आपसे इजाजत चाहता हूं।